50,000 का भेड़ू। इसके कान देखिए दोस्तों, कितने लंबे लंबे हैं। इस रंग की भेड़ आपके डेरे में सिर्फ यही लगी मुझे, एक ही है ना। रानी मुंह तो दिखाओ अपना। ओए रानी, शर्मा क्यों रही है कैमरे से? संजू बाबा आ गए घोड़ों को दूध, सॉरी पानी पिला के। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। थक गए? झाड़ी के बीच बढ़ना पड़ता है ना, तभी लकड़ी मिलती है। इतनी सारी ऊन काट दी इन्होंने इस भेड़ से, अभी भी काट रहे हैं। काटे है जिससे आप काट रहे हो? हाँ। देखो कैसी टांग बनी है इनकी। कितने महीने का ये? तीन का। चल आ गया, एक गया और दूसरा आ गया। देखिए ये कितने महीने का भाई तू? ढाई। ये ढाई महीने का। और देखिए तीन महीने के भेड़ू से इतनी ज्यादा ऊन निकली। ये देखिए कितने किलो होगी भाई तुम्हें? एक किलो। देखने में तो बहुत लग रही है लेकिन एक किलो ही है ये। या आप सिर्फ छोटे छोटे बच्चों की निकाल रहे हो ना, बड़ी बड़ी भेड़ी की नहीं? बड़ी की हम खुद मशीन मंगाएंगे ना, मशीन से निकालेंगे उनकी। मशीन से निकाल गए, कहाँ निकाल गए? अच्छा, एक भेड़ को आधा घंटा लगता है हमारे को, फिर 500 भेड़ी को कितना टाइम लगेगा? हाँ ये तो है। खुद हमारी सरकार मशीन भेजो। आप बोल रहे थे रात को कि जिनकी सिफारिश चलती है उनके पास ही पहुँचती है मशीन, है ना? हाँ। अब लगेगा तड़का। इस बर्तन में तड़का लगा रहे थे लेकिन अभी ये गिरने वाला था क्योंकि यहाँ पे ये अनबैलेंस हो गई लकड़ियाँ और ये पत्थर भी गिर गया था। रेडिया रेडियो? हाँ जी, कोई नहीं, रेडियो ले आएंगे आपके लिए। दिल्ली से मंगाओ इसको, ऑनलाइन से। हाँ दिल्ली से मंगा लेंगे। दिल्ली से ऑनलाइन से मंगाओ ना इसको। ओ डाल दिया आपने यार, मैंने बोला था रुक जाओ, मैंने शूट करना था। अब डाल रहे हैं हल्दी। क्या हुआ? कट्ठे हो गया बकरी के उल के नीचे। बकरियां कम ही रखी हैं आपने? वो बकरी कम ही है। कितनी है ये? होना सारी 20-30। बीस? ये कितने महीने की है? 3 महीने की है। ये तो बहुत जबरदस्त है। अभी जम्मू से लाया है, उसकी नस्ल है। जम्मू से लाई है आपने इसकी नस्ल, इसकी माँ? हाँ जी हाँ जी। ना ना, खड्डू खड्डू। खड्डू मतलब इसका पापा? पापा हाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। जम्मू में क्या आप खुद गए थे या कैसे लाई आपने? खुद गए थे। अच्छा अच्छा। 50,000 का भेड़ू लाया है। 50,000 का भेड़ू? हाँ जी। कहाँ है वो? घर में रखा हुआ है। आप सब घर में रख के आते हो? हाँ। जितने भी गद्दी आते हैं। चलो बढ़िया है, जब आपके घर जाएंगे अप्रैल में तब देखेंगे, है ना? छोड़ देगा? छोड़ दो, इसकी भी निकाल दी उन्हें ना। निकाल दी। ये तो महीने का अभी। एक महीने का? एक महीने का। पूंछ तो बड़ी लंबी है इसकी। मतलब नस्ल ऐसी है। हाँ। चेहरा भी दिखाओ। ओहो हो, एक महीने का बच्चा है अभी। एक महीने का लेकिन बहुत सुंदर है। देखो छेलू है, भेड़ू है, भेड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये भी वो जम्मू से लाई है नस्ल, उसका है? उसका है, उसका बच्चा है। हिमाचल गवर्नमेंट भी देती है आपको खड्डू?
वो देती ऐसे कबाड़ आ रहा है, वो नहीं होना से ठीक है, वो नहीं होता ठीक। तो अभी तो छोटा है, अभी तो जाएगा कम से कम 10,000 का जाएगा है। 10,000 का? हाँ जी, 10,000 से कम नहीं जाएगा। लेकिन कई तो सस्ते भी देते हैं, नस्ल पर होता है ना डिवाइड, जम्मू की नस्ल है। ये भी जम्मू की नस्ल, ऐसे बोल रहे हैं। ये छेलू है? छेलू है। इसके कान देखिए दोस्तों, कितने लंबे लंबे हैं। इससे पहचान होती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। 1.5 महीने का भी जाएगा, 7-8 हज़ार का जाएगा। 7-8 का? जाओ खाना खाओ, आओ खाना खाओ। अच्छा है जी, कल तो इन्होंने दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया था और गोभी में मिर्च ज़्यादा। आपने दाल को, चने को और गोभी को मिक्स किया ना, फिर बनाए इन्होंने ये। बहुत टेस्ट बनी है। टेस्ट? खाओ आप, पहले आप खाओ। हम तो खा रहे हैं। मेरा तो क्या है, मैं तो सोता हूँ, उठता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। आप तो इतना काम करते हो, लकड़ियाँ लाए, पानी लाए। क्या करना, हमारा काम ही है। तो भूख भी लग गई होगी। भूख तो नहीं लगती यार, क्या करना। 12 बजे खाते थे। 12 बजे खाते थे? 12 बजे खाते थे, अब खाना पड़ेगी 8 बजे 9 बजे। अब जल्दी खा लेते हो। बरसात में आप बड़ा बंगाल जाते हो ना? हाँ जी। वहाँ कई किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता, सिर्फ जंगल जंगल होता है ना। तो आप फिर चार्जिंग कैसे करते हो अपने फोन में? पावर बैंक होते हैं हमारे पास पड़े। पावर बैंक में भी तो खत्म होती होगी कभी ना कभी। तब खत्म हो जाते, कहाँ से करना फायदा फिर? फुल टाइम नहीं, खाली होगा कहाँ से फिर। बाबे लोग कैसे पड़ेगा फिर, कहाँ मिलेगी जंगल में चार्ज करना? कोई सुविधा नहीं ना उधर। नेटवर्क होता है वहाँ? नहीं, BSNL का भी नहीं होता। जो तुमने तो हाइट है ना वो, काफ़ी हाइट है वहाँ। खान इलाका है, बर्फ होती है वहाँ? और बहुत बर्फ होती है उधर। जाएंगे कभी आपके साथ? सुबह जो मैंने आपको एक फीमेल पपी दिखाई थी इस बाणी की, कुछ लोग आए और उसको खरीद के ले गए अभी। मतलब सच बताऊँ तो बहुत दुख हुआ मुझे, और क्या कर सकते हैं। कच्चा है ये, उबाला नहीं है बकरी का दूध। ये खा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और इस बोरी में भर दिए इन्होंने ऊन। सुनो, ये ऊन आपकी कितने रुपए किलो बिकती है? इधर कितनी, कितने रुपए किलो? अब की तो ये जाएगी हमारी 40 रुपए है। 40 रुपए बस? नहीं नहीं, 40 नहीं, 25-30 रुपए है। इतनी सस्ती सरकार लेती नहीं है वे। ओहो, देखो यहाँ कितनी हमारी जाड़ी में चमड़ी रहेगी। देखिए, सामान से भरी बोरियों और कंबलों से इन्होंने एक ओड़ा बना दिया यहाँ पे, है ना। अब इसके बीच में रखेंगे छोटे छोटे भेड़ के बच्चे। डाल दो अंदर, डाल दो। फिर शाम को निकाल लोगे इनको? शाम को 6 बजे। क्यूट क्यूट बेबीज, छोड़ दो। इस भेड़ की टांग पे यहाँ पे जख्म हुआ है और कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन अब दवाई लगा दी है बेचारी। भाई कैसे हुआ इसको जख्म है? वो यार, तार टूट सी लगी हुई है, तार से, कांटे वाली तार। कांटे वाली तार। ओहो, कांटे चुभ गए। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनका सबसे बड़ा बकरा, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। कहाँ से लाया था आपने ये? अपनी बकरी का था। अपनी बकरी का? वो बकरी कहाँ है अभी? वो तो बेच दी है ना, बुढ़ी है। बेच दी बेचारी। इसका वजन कितना होगा आपके हिसाब से? 1 क्विंटल होगा। 1 क्विंटल, बहुत बड़ा है ये। आपने देवता के लिए रखा है या? देवते के लिए। कब चढ़ाएंगे इसको? अब चढ़ाएंगे गर्मी को। इस गर्मी को काट देंगे? काट देंगे, देवते को चढ़ाएंगे, फिर अपने रिश्तेदारी बुलाएंगे। फिर रिश्तेदार बुलाओगे, गांव वाले बुलाओगे, और फिर जश्न होगा। हाँ जी। अच्छा, फंक्शन होगा। बेचारा दोस्तों, क्या ही बोले अब, बहुत बड़ा है। छोड़ दो छोड़ दो। सुनो, इसको पकड़ना। एक भेड़ है वहाँ पे, भूरे रंग की है जो भेड़।
इनके पास मुझे देखिए बहुत ही यूनिक कलर की भेड़ की बच्ची दिखाई दी। बच्ची है क्या ये? बच्ची है। किन्नौर में मिलता है ये कलर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसके कोट भी बनते हैं ना? बहुत अच्छे इसके ऊन के। हाँ जी, बहुत अच्छे बनते हैं इसके। ये वाला जो कोट है ये यही रंग है या? नहीं, ये तो दूसरा है, ये हर रंग का है, ब्राउन रंग का है। थोड़ा थोड़ा मिलता है पर थोड़ा थोड़ा अलग है। इस रंग की भेड़ आपके डेरे में सिर्फ यही लगी मुझे? एक ही है। एक ही है ना। अगर ये बेचनी हो तो कितने की जाएगी? ये तो 5-6 हज़ार में जाएगी। 5-6 हज़ार की बेली होनी है इसकी। बेचना मत इसको, ठीक है? ठीक है हमारा, ठीक ठीक है। एक बकरा ये भी है इनका। ओह, बहुत एग्रेसिव है, भेड़ को मार दी इसने। जब मैं इस बड़े बकरे की वीडियो शूट कर रहा था तो भेड़ पालक डर गए थे कि चोर पहुंच जाएंगे इसको देख के। अभी मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ, मिलते हैं फिर, है ना? अच्छा जी, अच्छा। जब हमारे घर की साइड पहुंचोगे तो मुझे कॉल कर देना। कॉल कर दूंगा, मैं आपको खुद आ जाऊंगा आपके घर में। हाँ, ये हमारे घर आए थे इस बार, तब इनकी भेड़ों ने जहरीला घास खा लिया था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो लस्सी लेने आए थे गाँव में ये। हाँ जी, कोई नहीं, फिर मिलते हैं ना। फिर गर्मी के टाइम आना, फिर मैं घुमाऊंगा आपको बड़ा मगाल में। अच्छा, आपकी साइड? हाँ जी, हाँ जी। वो पीछे बड़ा मंगाल है। बड़ा मंगाल? हाँ जी, हाँ जी। आऊंगा आऊंगा मैं, आऊंगा। ठीक है, मिलेंगे दूसरी बार। मिलेंगे, है ना? जुखाड़ा में। जुखाड़ा में, ओके। गन्नस रेडियो को पता है, वीडियो कॉल भेजना फिर मेरे को। क्या रेडियो? रेडिया। अच्छा, रेडियो छोटा फिप्स का रेडियो मंगवाना है? फिप्स का है? फिलिप्स का। चलते हैं भाई, तो फिर ठीक है, घर आना। मिलते हैं फिर अपने घर के पास, है ना? चलो चलना हमारे घर। आएंगे फिर, बात है ना? कोई नहीं कोई नहीं, साथ में मैंने सुंदरी खड़ी की है। तो चलते हैं, गिर ना जाए। ओह सॉरी, मैंने जूते दिखा दिए। बहुत से व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि अपने जूते चेंज कर दो, नए ले लो। ले लेंगे नए, इस हफ्ते ले लेंगे। जैसे मैं आया, ये भी चल पड़े भेड़ बकरियों को लेके जंगल में चराने के लिए। बहुत सारी है, मैं चलता हूँ अब, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी हालत भी ख़राब हो गई है धूल से, कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। और भाई, रानी जा रही है भेड़ बकरियों के साथ जंगल में। रानी मुंह तो दिखाओ अपना। ओए रानी, शर्मा क्यों रही है कैमरे से? बहुत इंट्रोवर्ट है ये। चलो चलो चलो, देखिए, जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि कल रात को इसने जंगली मुर्गा मारा था और जो फीमेल पपी है उसके पास लाके छोड़ दिया, फिर वो खा रही थी पपी। तो मैं चलता हूँ अब अपने घर में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।